तो जो सीबीएसई का आज क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश पेपर का लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मैं उसके ग्रामर पोर्शन का फुल एनालिटिक सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। जो आज एग्जामिनेशन हुआ है 26 फरवरी को, एग्जामिनेशन के बाद मैं ग्रामर पोर्शन का सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अभी यहाँ पे सेट वन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेट थ्री भी है जिसका मैंने सॉल्यूशन कर रखा है। तो पहले आप सेट वन का सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर सेट थ्री का सॉल्यूशन इसके बाद देख लेंगे आप। तो इसको जल्द से जल्द शेयर कीजिए, सेट थ्री वाले भी शेयर कीजिए और सारे लोग शेयर कीजिए ताकि आपका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आ जाए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले मैं यहाँ पे जो फिलर था, जो फिल करना था, मैं उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको कर दे रहा हूँ। देखिए होता क्या है, इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करके और आपको यहाँ पे भरना था, फिल करना था। तो आफ्टर ब्लैंक, अब यहाँ पर हमको एक प्रिंसिपल भर भरना है। तो यहाँ पर इसका रूल क्या होता है कि जब भी प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के बाद या तो 2+V1 आएगा या नहीं तो V4 आएगा, ठीक है, या तो 2+V1 या V4। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 2+V1 कहीं भी नहीं है, लेकिन यहां पे V4 मिल रहा है। तो आफ्टर स्पेंडिंग ए वीक इन द कॉटेज ही डिसाइडेड दैट ही डिडंट रियली एंजॉय, उसके बाद देखिए आप यहां पे एंजॉय आया है। अब इंजॉय एक प्रिंसिपल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब के बाद भी जो वर्ब आएगा वो या तो 2+V1 के फॉर्म का होगा या फिर वो V+ING यानी कि V4 के रूप का होगा, V4 के फॉर्म का होगा। तो यहां पर आप देख लीजिए ये 2+V4 है, लेकिन 2+V4 नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी आ गया लिविंग, तो हमारा बन गया आफ्टर लिविंग, आफ्टर स्पेंडिंग ए वीक इन द कॉटेज ही डिसाइडेड दैट ही डिडंट रियली एंजॉय लिविंग इन द कंट्री साइड एंड बिगन। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर एक प्रिंसिपल वर्ब आ गया है, तो फिर से यहाँ पे जो आएगा वो एक 2+V1 आएगा या V4 आएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे 2+V4 ये नहीं आएगा, यहाँ पे टू थाउट या टू थिंक, तो 2+V1 मैं बोल रहा हूँ, तो 2+V1 है टू थिंक ऑफ एन एक्सक्यूज फोर, उसके बाद डी। यहाँ पे देखिए फिर से प्रीपोजिशन, देखिए बिल्कुल सिंपल इसका तरीका था, प्रीपोजिशन के बाद V4 या 2+V1, फिर यहाँ पे भर्ब के बाद V4 या 2+V1, फिर यहाँ पे भर्ब के बाद V4 या 2+V1, फिर प्रीपोजिशन के बाद V4 या 2+V1। तो V4 हमको यहाँ सेलिंग दिख रहा है, तो चारों का चारों बहुत ही ईजी था और ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो इरर करेक्शन था उसको देख लेते हैं। टूडे द गर्ल्स हैव, अब हैव के बाद V3 आता है तो ब्रोक V2 है, तो ब्रोक का हो गया ब्रोकन, यानी इरर है ब्रोक में और सही होगा इसका ब्रोकन, ठीक है। टुडे द गर्ल्स हैव ब्रोक द 5-foot बैरियर एंड ऑन सम केसेस, नहीं एंड इन सम केसेस, ठीक है। तो ऑन के बदले हो जाएगा इन, उसके बाद इज, एंड इन सम केसेस, केसेस के बाद आर आना चाहिए, एंड इन सम केसेस इज का हो गया आर, ए 1/2 foot टॉलर, टॉलर देन होता है ना कि टॉलर देन। तो यहाँ पे जो देन देख रहे हैं वो गलत है, इसके बदले होगा देन THEN। तो यहाँ पे जो इरर और करेक्शन था वो भी मैंने यहाँ पे करवा दिया। अब यहाँ पे जंबल वर्ड्स देखते हैं या फिर इसको देखते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। तो पहले कौन सा आएगा, देखिए मैंने 1, 2, 3 कर दिया, मैं आपको समझा देता हूँ। वन डे रमेश, ठीक है, वन डे वन में आ गया वन डे, टू में आ गया रमेश, थ्री में आ गया मेट, वन डे रमेश मेट ए बॉय, फोर नंबर, वन डे रमेश मेट ए बॉय इन द पार्क, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से आते हैं, द यंग बॉय वॉज ओनली 7 years ओल्ड, ठीक है। उसके बाद फिर आइए, ही आस्क्ड हिम अबाउट द नियरेस्ट बुक स्टोर, ठीक है, बहुत ही ईजी था। उसके बाद आइए, ही वॉन्टेड टू बाय ए फ्यू बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसका, इसका और इसका तीनों का सॉल्यूशन कर दिया। अब इसके कौन से पार्ट का सॉल्यूशन आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में आइए, ग्रामर पोर्शन का है, अगर आपको पैसेज का भी चाहिए और भी जो ग्रामर पोर्शन का सॉल्यूशन है उसके कौन से पार्ट का चाहिए और कौन कौन से सेट का चाहिए कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द आ जाए। चलिए तुरंत मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।